आप सभी की प्रमुख उपस्थिति में हमारे साथी हमारे पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक जिन्हें आप ही लोगों ने चुना है, सम्माननीय विधायक श्री रामचंद्र राव जी के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष विधायक श्री किशन रेड्डी जी, जिन्होंने अभी अपने विचार रखे, हमें राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय मुरलीधर राव जी, मंत्र हमारे ज्येष्ठ सहयोगी सम्मान्य डॉक्टर लक्ष्मण जी, पूर्व सांसद सम्मान्य श्री गिरीश संघे जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य श्री राजा सिंह जी, विधायक श्री प्रभाकर राव जी और यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसे अग्रवाल परिवार से उनके सभी परिवार के सदस्य अभिजीत और उनके पिता श्री श्री देव नारायण जी, श्री पटेल जी, हमारे साथी श्री दिनेश भाई मानसिंह वाले और सभी यहाँ पर बैठे हुए सभी मान्यवर, मैं आपके बीच में देख रहा था कि भारी उत्साह के साथ आप सभी यहाँ के प्रतिष्ठित सम्मान्य भाइयों ने और बहनों ने, युवाओं ने एडवोकेट रामचंद्र राव जी का बहुत जोश के साथ में सत्कार सम्मान किया है। ये सम्मान देखते मुझे लगा नहीं ये हैदराबाद में इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी का आप सभी के प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहकर करने वाले हैं। मुझे लगा कि बहुत युवा है और ये लड़के ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, लेकिन अभिषेक ने बहुत बड़ा आयोजन किया है, जो बात मुरलीधर जी ने कही है वो सही कही है। और जिनके सत्कार में हमने आए हैं सम्मान में रामचंद्र राव जी अति लोकप्रिय नेता मुझे दिखते हैं, काफी सम्मान और बड़े भारी यहाँ पे प्रैक्टिशनर हैं, जो क्रिमिनल में ज्यादा उनका कोई हाथ नहीं पकड़ता, ऐसा वो बता रहे थे मुझे, कितने लोगों को हमने फांसी से बचाया है, उन्हें कौन मजाक में उनके मित्र परिवार कुछ कह रहे थे, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति के रूप में मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी समाज सेवा करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, जीत गए हैं, भारी वोटों से जीते हैं। मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि जब मुझे तेलंगाना का प्रभारी मंत्री बोल के भेजा था तो मैं पहली बार 26 तारीख को सुबह में 5 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरा तो मुझे सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे विधायक जीत गए, पहली एंट्री में ही मैंने जीत देखी थी और ये जीत को और कंटिन्यू करना है और इस जीत को इसलिए कंटिन्यू करना है, ये अभी श्रृंखला रुकेगी नहीं। आज हमने दिन भर मीटिंग चलाई है, ग्रेटर हैदराबाद का जो चुनाव होगा उस चुनाव के बारे में हमारे प्रदेश के सभी नेता थे और सभी ने चर्चा की, अगली रणनीति बन रही थी मैं सुन रहा था, लेकिन उत्साह कमेटी में भी था और उत्साह यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, जीतने के लिए रास्ते मुझे सब स्पष्ट दिख रहे हैं और ये शुरुआत जो हुई थी इसे आप जारी रखेंगे, इस उम्मीद के साथ में आपके बीच में पुनः एक बार रामचंद्र राव जी का भी सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वो जीते भी हैं, उन्हें आप लोगों ने जिताया है तभी वो जीते हैं, ये जीत बहुत बड़ी होती है। और हाउस जो है विधान
सभा, विधान परिषद, असेंबली, काउंसिल, बहुत बड़ा हाउस होता है, वहां से पूरे स्टेट की जनता की सेवा होती है। और जिस हाउस में मैं काम करता हूँ वो हाउस भी बहुत बड़ा है देश का, पार्लियामेंट, यहाँ से भी पूरे देश की सेवा होती है। मैं सुन रहा था किशन जी से कि वो बार बार कह रहे थे कि हम देशभक्ति के लिए काम करें, हम देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। यही हमें दिखता तो वही है कि हमें करना तो समाज के लिए है, देश के लिए करना है। जब मोदी जी जीते, सरकार हमारी जीती, पूरे देश में ये उम्मीद नहीं थी कि 283 जगह पर हम जीतेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन जनता ने जीता है। और जिताने की वजह भी वही थी, जिन्हें नहीं जीतने दिया, इतना बुरा पीटा देश की जनता ने कि विपक्षी नेता भी नहीं बन सका कांग्रेस का। जनता जागरूक जनता, और रामचंद्र राव जी तो जीते हैं, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूशन जीते हैं, और देश की जनता भी कम जागरूक नहीं है। जिन घोटालों की कुछ बात कही किशन जी ने शॉर्ट में कहकर, और जो बातें कही कि मोदी जी क्या करने जा रहे हैं, सरकार क्या करने जा रही है, मुरलीधर राव जी ने कहा है, मुरलीधर राव तो राष्ट्रीय स्तर पर बरसों से काम करते हैं, वो तरीके से जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। मैं भी कुछ शॉर्ट में कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, आप यहाँ पे व्यापारी हो, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उद्योग के क्षेत्र से जुड़े हुए आप लोग, और काफी प्रतिष्ठित हो उससे, लेकिन जिस बात को लेकर हम सोच रहे हैं, मेरी सरकार, हमारी सरकार जो सोचती है, जिस मंत्री पद पर मैं बैठा हूं मोदी जी के नेतृत्व में, हम भारत बनाने जा रहे हैं, देश के निर्माण में मेक इन इंडिया की जो बात कही है उसको मैं कहूंगा, ये नारा नहीं है। जो नारे कभी लगते थे गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये नारा था, ये नारा नहीं है। मेरा भारत महान कहने वाले कहते थे, लेकिन मेरा भारत महान नहीं बन पाया था उस जमाने में, अब बनेगा। और इस देश के निर्माण में मेक इन इंडिया की बात में बहुत दम इसलिए है कि देश में स्किल्ड है, और स्किल डेवलपमेंट के भी प्रयास और जारी हो गए हैं, और साथ में ये देश में जो बात शिक्षकों की कही है, मैं सुन रहा था, बहुत जानदार बात कही उन्होंने। मैं दो सौ में क्वेश्चन लगाया था एक बार, और मेरे क्वेश्चन के जवाब में मुझे लिखकर आया था हमारे इस संबंधित मंत्रालय के मंत्री थे पायलट जी के सुपुत्र, और उन्होंने माना था मेरी बात को, सचिन पायलट मंत्रालय थे। 42,000 करोड़ रुपए का हम कॉर्डलेस और सेलफोन हम आयात करते हैं, 42,000 करोड़ रुपए। कितनी गंभीर बात मैं बता रहा हूं, ये कोई पद्धति नहीं है काम करने की, देश चलाने की। ये देश के लिए उत्पादक का उत्पादन नया नहीं था, मेक इन इंडिया कहने की जरूरत इसीलिए हुई। मैं बहुत नजदीक में आपको ले जाके बताता हूं कि आपने यहाँ पे IDPL का प्लांट है, दवाई का था, मेरे मंत्रालय से संबंधित है, हम फार्मास्यूटिकल मंत्रालय मेरा है। मैं पिछले हफ्ते में जब आया था 26 तारीख को, तो वहां भी गया था, इसको बर्बाद करके रखा है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट दवाई बनाने वाला बना, कांग्रेस की गवर्नमेंट में बना था, मैं ये नहीं कहता कि हमने बनाया था, बनाया तुम्हें ने, उजाला तुम्हें नहीं था। इस तरीके से देश नहीं रह सकता, बन नहीं सकता था। एक नहीं है, सैकड़ों हैं, सैकड़ों। इसका उल्लेख यहां से निकलता है, और मैं चंद्रपुर के पास में जाता हूं तो रामागुंडम का फर्टिलाइजर का प्लांट है, फर्टिलाइजर बनता था,
वो भी बंद कर दिया है। एक एक स्टेट की दो बातें कहता हूं मैं, जब कोल एंड स्टील कमेटी में काम करता था 10 साल तक कमेटी में काम किया, मैं चौथी बार सांसद हूं, साथ में पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में मैं मेंबर था, साथ में मैं एग्रीकल्चर में मेंबर था, मैं 7 कमेटी की मुझे पार्टी के नेताओं ने नियुक्त किया था, तो इतनी बर्बादी में देखता था देश की, उस देश की बात मैं कह रहा हूं आपके बीच में। कोल इंडिया में 8 लाख मैन पावर, और अब जब मैं बात कर रहा हूं आपके पास में, जिस बात को लेकर मैंने आंदोलन चलाया था, मामला उठाया था लोकसभा में कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले को लेकर, उसकी वजह थी कि अनएम्प्लॉयमेंट और कटौती हो रही थी, मुझे दिखता था वहां पे 8 लाख लोग काम करते थे, जब मैं मामला उठाता था 3,60,000 लोग काम करते थे, मामले का जिस अंत हुआ तब वहां पर 3 लाख लोग मैन पावर बचा हुआ है, 5 लाख लोग कम हो गए, इतनी बेरोजगारी फैला दी। माइंस फ्री में बांटती थी सभी को, मैं ऑब्जेक्शन लेता रहा कि फ्री में मत बांटती, हमारे यहाँ पे रेती के घाटों पे नदी के ऊपर मोरम होता है उसका ऑप्शन होता है, लेकिन कोयला फ्री में दिया करते थे। मामला सामने आ गया, इतना नुकसान देश का किया, प्रॉपर्टी लुटा दी थी, बेच दी थी, फ्री में दी थी, लेकिन मैन पावर भी कट रहा था, ये मैं बता रहा हूँ, रोजगार के अवसर कम हो गए थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 10 साल पहले 12 साल पहले में 2.5 लाख मैन पावर काम करता था, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 80,000 लोग काम करते हैं, ये फिगर्स मेरे कहीं गलत नहीं है, पिछले 2-3 साल पहले 90,000 थे, अब फिर कम हो गए। जिस तरीके से मैन पावर कटौती की, बेरोजगारी बढ़ती गई है, ये सरकार की पुरानी सरकार के पाप थे। इंडस्ट्री बंद, माइनिंग फ्री में दे दिया, लीज फ्री में दी, और देश की बेरोजगारी बढ़ती गई है। जब मेक इन इंडिया की जब बात आती है तो देश में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, देश का नौजवान कहां मांग रहा है, उधर किसान खेती को पानी मांगता है, वो एक बात अलग है, इधर हर परिवार का बेटा काम मांगता है, उसके हाथ खाली है, खेत खाली हाथ खाली, ऐसी सरकार चल रही थी, और इसीलिए जनता ने सोचा नहीं, जनता ने चिंतन किया, अभ्यास किया, और इस बार कांग्रेस पार्टी को विपक्ष नेता की भी ताकत नहीं थी, इसकी वजह यह है कि जनता जागरूक हो गई है, समझती है, देश के निर्माण में हम निकले हैं, भारत देश में रोजगार देने के लिए निकले हैं। मेक इन इंडिया की बात चल रही थी, मैं आपके बीच में इतना कहूंगा कि हम ट्रेडिंग तक सीमित ना रहे, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं भारत सरकार का सभी रूप में मैं विनती करता हूं कि हम उत्पादकता में ख्याल करना पड़ेगा, परिवार का एक बेटा हम इंडस्ट्री में भेजे, जब मेक इन इंडिया की बात आएगी तो उत्पादन करना पड़ेगा और उसी से भारत बनेगा। आप देखिए, मैं प्लांट की बात कर रहा था, इधर में दवाई का प्लांट बंद, उधर में फर्टिलाइजर का प्लांट बंद, 90 लाख टन यूरिया बाहर से लाते हैं और पूरा बल्क ड्रग हम चाइना से लाते हैं। एक जमाना वो था कि भारत देश का 80% बल्क ड्रग यहाँ और पुणे में बनता था, कुछ यहाँ पे लोग डॉक्टर के पेशे से जुड़े होंगे, सब कुल मिलाकर जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ाने का जो काम हुआ है पिछले सरकार में, उसे कम करना पड़ेगा, उद्योग इंडस्ट्री बढ़ानी पड़ेगी। घोटालों वाली सरकार, घोटाले वाली सरकार, अभी परसों ही हमारे प्रधानमंत्री जी जब कह रहे थे कि स्कैम, जो स्कैम की बात चलती थी, अब स्कैम की बात नहीं चलेगी, अब स्किल की बात चलेगी, एम्प्लॉयमेंट देने की बात चलेगी, देश के निर्माण में हम सभी को सामने जाना पड़ेगा, और हम हर व्यक्ति ये भारत देश के निर्माता बन सकते हैं। हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, हम
एक बात को गौर से सोचें कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता हाथ में ली है, सबसे पहले काम क्या काम किया होगा उन्होंने, तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे पड़ोस के लोगों से मेरे संबंध अच्छे रहे, साधारण सी बात। मैं देखता था लोकसभा में बैठकर विपक्ष में बैठ के, हमारे देश के पड़ोस का राष्ट्र नेपाल जो हमारा अशीत राष्ट्र था, हमारा पड़ोस में बांग्लादेश का निर्माण हमने किया है, श्रीलंका को हम चलाते हैं, उसको आश्रय देते हैं, हम लोग यही लोग हम पर चढ़ गए थे। श्रीलंका ने हमारे मछुआरों को मारा, बांग्लादेश ने हमारे देश के आसाम पे क्लेम कर दिया, और नेपाल ने कह दिया हम तुम्हारे देश में आतंकियों को शिक्षा प्रशिक्षण देकर भेजेंगे। नेपाल कहता है, भारत सरकार के गृह मंत्री को कहता है, यूपीए सरकार ने इतना कमजोर भारत बन गया था, जब चाहेगा पाकिस्तान, जब चाहेगा चीन अपने बॉर्डर पे आके घुसपैठ करते थे, ये सब आप साक्षीदार हो सके। इतना कमजोर भारत जब बनता है तो देश का प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री बनता है, एक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाला देश का प्रधानमंत्री बना, सबसे पहले काम क्या किया, तो पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध अच्छे नहीं है, सामान्य बात। इनको शांत करने के बाद में फिर इंग्लैंड, अमेरिका सब चल रहा है, जापान तक सब पहुंच गए हैं। यह देश को बनाने वाले नजरे हैं, ये दृष्टिकोण है, यह है भारत, भारत माता की ये पूजा है, चिंता हमें दोनों बातें करनी है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित करनी है और देश की ताकत भी दिखानी है। वो कभी अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा करते थे, जब गुजरात के मामले को लेकर हम अमेरिका के लिए आपको वीजा नहीं देंगे, वही अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष उन्हें निमंत्रण देके बुलाते हैं और साथ में चाय पीने के लिए 2 घंटा इंतजार करते हैं। ये ताकत और ये नेतृत्व, मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि हम अब सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति, एक राजनीतिक दल और कुछ नेताओं के साथ में आपके सभी लोग भी सामने आए, खास करना पड़ेगा निर्माण में, उत्पादन में। मैं बहुत पूजा, मैं किसानों के प्रति बहुत आदर करता हूं, हम सभी लोग, ये तो वो लोग उत्पादन करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो चाइना, भारत देश की जरूरतें समझकर चाइना में उत्पादन करता है, देश में सप्लाई करता है, गुड़िया, पतंग उड़ाने की, पतंग को लगने का धागा, और कई चीजों के नाम लूंगा मैं। अभी भी हमारे साथ में अभी पटेल जी थे, मैं मिला था ज्येष्ठ हमारे देवनारायण जी साथ में आया, वो मोरबी के, मोरबी के वो कह रहे थे मुझे, मैं मोरबी का चाइना का दृष्टा जोड़ता हूं आपके सामने, आप किसी भी गिफ्ट सेंटर में जाइए, गिफ्ट 80% आइटम चाइना के और बचे हुए 20-15% आइटम मोरबी के, मोरबी गुजरात में है। ये इतनी बुरी अवस्था में भारत देश नहीं था, हम देश से उत्पादन करने वाले लोग हैं, एक मैचेस की टीवी में साड़ी बनाने वाला भारत, धोती बनाने वाला भारत का वो कारागीर, हमने दुनिया को कला दी है, रोजगार के रास्ते बताए हैं, और वही अब चाइना ने हमारे पूरे व्यापार पेट पर इतना बड़ा कब्जा कर दिया कि होली के दिन हम पिचकारी भी लाते हैं, पिचकारी कहते हैं वो भी चाइना की तरफ से, हम होली खेलते हैं, इतना दुखा के देश के लिए खड़ा हो गया है। हम सभी को सोचना पड़ेगा, मैं अकेला नहीं सोच रहा हूँ, मोदी जी अकेले नहीं सोच रहे हैं, हम सभी सोचे कि देश में उत्पादन बढ़ेगा तभी मेक इन इंडिया की बात साबित होगी। नारा देने के लिए नहीं है, मैं वो कह रहा था बाद में, और मैं यहां आपके सामने कह रहा हूं, अभी मैं पिछले 26 तारीख में आया था, पहली बार मैं IDPL को देखा हूं कि बिल्डिंग देखा,
84 बिल्डिंग, 70,000 से 1,00,000 के एक एक बिल्डिंग है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट, मैं आपको उसे कह रहा हूं, मैं रात भर मेज पे जब देखा पे लिखा तो मुझे 2:30 बजे तक नींद नहीं आई, इस प्लांट को इन्होंने बर्बाद करके रखा है। और एक 15 दिन के अंदर हमने निर्णय ले लिया इस प्लांट में हम फार्मा पार्क बनाने की घोषणा करने जा रहे हैं। फार्मा पार्क और ये हफ्ते में 25-26 तारीख को हम सभी यहाँ हमारे बीजेपी के नेता लोग राजनंदम जाएंगे और वहां का फिल्टर का प्लांट शुरू करने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। हमें देश बनाना है, ऐसा भरपा चित्र हम देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। एक नहीं तो देश में अभी मैं कोरबा भी गया था, अब मैं अगले हफ्ते में बंगाल जाऊंगा, हल्दिया जाऊंगा, सारे प्लांट हम शुरू करेंगे। पुणे का भी प्लांट बंद किया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने, वो भी प्लांट हम दवाई का शुरू करेंगे। हमने घोषणा की है मेक इन इंडिया, तो मेरा मंत्रालय काम करता है दवाई का और फर्टिलाइजर का, हमारे मंत्री अनंत कुमार जी हैं, हम दोनों मिलकर सारे प्लांट शुरू करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की सोचते हैं। क्यों सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है मेक इन इंडिया करेंगे, मंत्री एमपी अकेले क्यों सोचे? मैं आपके बीच में, आप बहुत बड़े उद्योजक भी यहाँ बीच में, ये दिशा से हर अगर व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे कुछ बनाना है, आप कुछ भी बनाओ देश बनने वाला है। और इसलिए मैं आपके बीच में आज बहुत अच्छे मौके पर आया हूँ, बहुत अच्छे नागरिकों में मैं बोल रहा हूँ, जो एक बहुत बड़े व्यापार के और बहुत बड़े महानगर के आप नागरिक हैं। इस महानगर में ग्रेटर हैदराबाद के इतिहास का पन्ना मुझे याद है कि कभी यहाँ पर पाकिस्तान में विलय होने की बात कही गई थी कि यहीं उसी वीरों की नगरी से आप लोगों की आपने विरोध किया था, आपके पूर्वजों ने कई लोगों का जाने की बलिदान दिया होगा, आपने हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना के रखा है, उन नागरिकों के बीच में बात कर रहा हूँ। अब हमें इस महानगर की, इस हैदराबाद की और भी देश में ऊंचाई बढ़ाना है, प्रतिमा ऊंची करनी है, तो हैदराबाद एक ऐसा शहर और तेलंगाना एक ऐसा राज्य बने कि भारत देश के उत्पादकता में हम आगे बढ़ेंगे। और उससे हमारी सरकार के इस प्रोग्राम में मेक इन इंडिया और स्टेट डेवलपमेंट में आप लोगों का हिस्सा रहेगा, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। मैं आपके बीच में सम्माननीय हमारे विधायक बने एडवोकेट रामचंद्र राव जी को बधाई दूंगा। आप MLC हो, विधान परिषद सदस्य हो, लेकिन आपका जो लोकप्रियता मैं देख रहा हूँ किसी लोकसभा के सदस्य से कम नहीं दिखती है मुझे। आप काफी लोकप्रिय यहाँ के हो और हमारे पार्टी के 5 विधायक यहाँ बैठे हैं, उन्हें पांडव कहा गया है। आपके 5 और 6 है, इसमें से भगवान श्री कृष्ण भी है। सब लोग इस महायुद्ध में, देश के निर्माण में, इस देश को महाभारत बनाना है, देश की ताकत बढ़ाकर दुनिया की ताकत के रूप में खड़ा करना है। मैं आप सभी का सहयोग मांगता हूँ। सौभाग्य से मैं बहुत अच्छे स्टेट का और बहुत अच्छे महानगर में मैं हूँ अभी इस वक्त, मुझे बहुत आनंद लगता है, आनंद मिल रहा है कि मैं बहुत जगह अच्छी जगह अच्छे साथियों के बीच में काम करने आया हूँ। और इसी बीच में आने वाले दिनों में आप सभी लोगों का भारी और सक्रिय सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। इस आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद।